हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल कुकिंग हब 02 में स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाली सिंगाड़े की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मैंने 1 किलो सिंगाड़े लिए हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है और अच्छे से धुल लिया है। आप देख सकते हैं, इस सब्ज़ी को बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं और ये हेल्दी भी बहुत होती है। इसमें बहुत ही कम तेल डालने की ज़रूरत होती है। मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल लेती हूँ और जीरा, जीरे को कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। हमारे जीरे का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल लेती हूँ। मैंने 2 टमाटर काटे थे। इसमें मैं मसाले डाल लेती हूँ। जो भी आपको मसाले पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे सिंगाड़े की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें तब तक भूनना है मसालों को और टमाटर को, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इसने तेल भी छोड़ दिया है। इसमें हम नमक डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार। अब टमाटर जो हमारे भुन गए हैं, इसमें हम सिंगाड़े डाल लेते हैं, जो हमने सिंगाड़े की ग्रेवी छीली थी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल लेंगे, क्योंकि हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं। अगर आप सूखे सिंगाड़े की सब्ज़ी पसंद करते हैं तो इसमें पानी कम डालें। अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें ढककर ऐसे कवर करके रख दें और बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें पका सकते हैं। इससे बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनेगी सिंगाड़े की। ये पूरी से बहुत टेस्टी लगती है सूखी सब्ज़ी सिंगाड़े की। हम इसमें पानी डाल लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी वाली के लिए पानी अपने हिसाब से डालें। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करें, नहीं तो आप कम ही पानी रहने दें। और इसे ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे 7 से 8 मिनट तक। हमारे सिंगाड़े की सब्ज़ी बनकर के तैयार है। ये देखो, 1 चम्मच तेल से कितनी अच्छी सिंगाड़े की सब्ज़ी बनी है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है और हेल्दी भी बहुत होती है। बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसे बच्चे के लंच बॉक्स में और ऑफिस के लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। सब इस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं पूड़ी के साथ में, चावल के साथ में, रोटी के साथ में, सभी के साथ ये सिंगाड़े की सब्ज़ी अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपने देखा होगा कि हमारे सिंगाड़ा मैंने जब तोड़ा था, बहुत अच्छे से गल चुका है। एक बार इस तरीके से सिंगाड़े की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इस टाइम सेब बहुत सस्ते मिल रहे हैं और अच्छे भी मिल रहे हैं, तो मैंने सेब का मुरब्बा भी बनाया था, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेब के मुरब्बे की रेसिपी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ और रेसिपी देखें। सेब का मुरब्बा बहुत ही टेस्टी भी बना था और बहुत सालों साल चलने वाला, जो कभी ख़राब नहीं होता है। तो एक बार सेब के मुरब्बे की वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।